नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। O2 चैंपियनशिप यहाँ पर राउंड 3 अगला हिस्सा शुरू हो रहा है, जहाँ पर दूसरे मैचेस हर ग्रुप के शुरू हो रहे हैं। ग्रुप ए की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जहाँ पर न्यूजीलैंड भिड़ रहा है जिम्बाब्वे से। एक बार फिर हम लोग बने हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड की टीम न्यूजीलैंड, और देखना है कि मैच जीतते हैं हारते हैं। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड को बड़ी जीत मिली थी इंडिया के सामने, इस बार हम बने न्यूजीलैंड बॉलिंग का ही फैसला करते हुए। और न्यूजीलैंड की टीम इस समय मैदान में आ चुकी है, और साथ ही साथ जिम्बाब्वे के ओपनर्स आते हुए मैदान में। देखना है 26 प्लस जाते हैं, 30 प्लस जाते हैं, कितना करते हैं। गेंदबाजी लेफ्ट आर्म स्पिनर शंटनर को, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। मैच की पहली गेंद सीधा शॉट गया है यहाँ पे लॉन्ग ऑन में, अब काफी धीरे से गया है, तो यहाँ मौका बनेगा दो का। और लेकिन जिम्बाब्वे एक से ही शुरुआत करता हुआ सरप्राइज। दोनों तरफ से बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज हिट किया है, बॉडी से दूर था फिर भी हिट करने की कोशिश की, एक्चुअली खुद ही दूर गए थे और सिक्स हिट कर दिया है। ऐसा लगा शॉट को देख के कॉन्फिडेंस था नहीं शॉट को, और खेल पहले लेग साइड गए फिर ऑफ साइड हिट किया, सफलता मिली, इसलिए सब बढ़िया जिम्बाब्वे के लिए। पिछली तीनों गेंदें बहुत क्लोज थी स्पेशल, इस बार ऑफ स्टंप पे खेला है। पीछे पहला जो शॉट था वो लॉन्ग ऑन गया था, इस बार लॉन्ग ऑफ जाता हुआ रन, लेकिन एक ही। तैयार है लेफ्ट हैंडेड आते हुए स्ट्राइक पे, क्या ये सिक्स लगाएंगे एक और? अगर लगा देते हैं तो जिम्बाब्वे इस ओवर को अपने नाम कर लेगा। सिक्सेस का कुछ फायदा देखने को नहीं मिला, एडवांस शॉट लिया लेकिन किनारा लगने के कारण फाइन लेग पे गई है। इस बार तो दो बनेगा, और 12 रन किए नहीं है तो लेंगे इस बार। जी हाँ, जैसी सोच थी वैसा ही हुआ, दो रन निकाले। राइट आर्म है राउंड द विकेट लेफ्टी के सामने, ग्राउंड शॉट्स जिम्बाब्वे के लिए ये किसी भी सिचुएशन में अच्छे शॉट्स नहीं कहलाएंगे। एक एक रन जोड़ते हुए बल्लेबाज, सिर्फ एक बड़ा हिट देखने को मिला सिक्स का। स्पेशल से विकेट के चांसेस मुझे देखने को नहीं मिले, ये लीजिए, बल्कि दो का मौका बनता हो। रनिंग अगर क्विक रहती है आराम से दो, लेकिन थ्रो डायरेक्ट है, चैलेंज था एक्सेप्ट किया नहीं जिम्बाब्वे ने, एक ही रन निकाला है। पलड़ा जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ झुक चुका है, एक और स्पेशल बीट हुए, जीरो बनाया इस गेंद, पहली तीन गेंदों में सेम लाइन लाइन, लेकिन तेज गेंद रख दी है और ग्राउंड शॉट लिया है। ये एटीट्यूड भारी पड़ेगा अभी, जब मैच समाप्त होगा, जब मैच पे लिखाएगा हार गए जिम्बाब्वे तब अफसोस होगा। बॉल टू बॉल रन बनाने में भी जिम्बाब्वे स्ट्रगल करता हुआ, और ये गैप चिबाब्बा का देगा चार, बहुत सही से वक्त पे आता हुआ। उसे एक और लगाना चाहिए, वो सिक्स होना चाहिए जिम्बाब्वे की तरफ से। ये भी ग्राउंड शॉट ही था, गैप में था, इसका फायदा मिला है, चार जुड़ा है इस ओवर का, और जी हाँ बॉल से ज्यादा रन आ गए। स्पेशल लास्ट गेंद बीटी होंगे, और नहीं, ढकेला इसको डीप तक बैकफुट पंच के थ्रू, एक ही जुड़ेगा, और सिर्फ 21 का टारगेट आया है न्यूजीलैंड के सामने। और मोस्टली सिंगल डबल, अब देखिए डबल तो आएगा नहीं, लेकिन हम बड़े हिट्स के बदौलत आसानी से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से दो बड़े हिट भी अगर लग जाते हैं, एक बड़ा हिट भी लग जाता है, तो भी काफ़ी हद तक न्यूजीलैंड के फेवर में आ जाएगा मैच, लेकिन अभी के लिए बराबरी की टक्कर की उम्मीद। कप्टिल और निकोस आते हुए, हमारा पिछला जो रिकॉर्ड है 1.1 ओवर मैच जीतने का है, अगर आज बल्ले पे आती है सही गेंद तो वो रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। खराब फील्डिंग, मौका मिला है हमें लेने का बड़ा शॉट, लेकिन पहली गेंद कैच। ये जो फील्डिंग सेटअप है इसकी खासियत ये है कि आप बिंदास लॉफ्टेड शॉट ले सकते हो, आपका अर्ली गिरेगा या लेट गिरेगा तो वो ड्रॉप ही होने वाला है, फील्डर तक पहुंचेगा नहीं, लेकिन अगर गुड शॉट खेला तो कैच आउट हो गया, और वही हुआ पहली गेंद पे। कप्टिल बने शिकार अच्छा शॉट खेलने के बावजूद, सेम अंदाज में खेल रहे हैं, बस लेफ्ट हैंडेड आया है, फर्क ये है। दो निकालेंगे, तीन की जरूरत, बढ़िया रनिंग तीन, ऐसा लग रहा था इस मैदान पे तीन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन करके दिखाया न्यूजीलैंड के बैट। लेग साइड पे एक परफेक्ट शॉट का इंतजार है बस किसी, अरे रिटर्न हो गया, ये गलती हो गई, अब पिछली ओवर की जो कमी थी वो पूरी हो गई इस गलती से, और रन निकाला एक मुश्किल से, वो भी बीबी इस ओवर में नहीं, अपील बड़ी है, नॉट आउट आया एम्पायर की तरफ से, DRS मुझे नहीं लगता है देखने को मिलेगा। जी नहीं, सरप्राइज हूँ लिया है, स्टांस हमने बदला था देख सकते हो आप लोग, और ये है ऑफ साइड स्टा इम्पैक्ट होने के कारण नॉट आउट, DRS आपने लॉस्ट कर दिया है। बड़ा हिट तो हमें भी चाहिए, और वो यहाँ पर निकोल्स ने हमें दे दिया, लेग साइड पे ही खेलते खेलते लगा दिया सिक्स, दिखना होगा एक गेंद बाकी है उस पर, एक और अगर सिक्स आ जाए तब तो ये मैच पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नाम, लेकिन अगर सिंगल या डबल आता है तो बराबरी पे आके रुकेगा। तैयार लॉफ्टेड के लिए, अरे लेकिन ये गड़बड़ हुई है थोड़ी, कैच। टूर्नामेंट में मैंने पहली बार नोटिस किया था कि परफेक्ट शॉट गारंटी नहीं देते सिक्स के, पर कैच हो जाएगा ये नहीं सोचा था, डॉट गई है गेंद, ये तो नुकसान हो गया, एक और दो रन भी नहीं आया इस ओवर पर, निकोल्स का विकेट भी गंवा दिया। लास्ट ओवर में 11 चाहिए, पहली ओवर से भी जाते, ग्राउंड शॉट लेंगे हम लोग, अब ये तय हो चुका है,
दौड़ना चाहते हैं, थोड़ा लेट रहे हैं रनिंग में, पर खराब थ्रो लॉप्टेड लेना चाहते हैं, लेट गया है शॉट, कैच नहीं होना चाहिए, लीजिए। यहाँ से चार गेंदों में 9 रह जाते हैं, अगर आप हर गेंद पे 2 लेते हो तब भी जीतने के चांसेस कम हैं आपके। 2 फील्डर काफी क्लोज में थे यहाँ पर, गली पॉइंट की तरफ से कैरी किया इस गेंद को, लाथम को भेजा पवेलियन, ग्राउंड शॉट, और रनिंग बहुत ही वीक रहती हुई, और जी हाँ पूरा किया 2 रन। ये मैदान शारजहां में ही हो रहा है ये मैच, डिफिकल्टी 8 है पहले ही बता दूं मैं। लॉप्टेड से अभी थोड़ी देर के लिए तौबा कर लिया है हमने, और 4 चला जाता तो मजा आ जाती। 3-3-3-3-3-3-3-3 नहीं, थ्रो बढ़िया है, पवेलियन जाना होगा। विकेट इस बार फिर गिरता हुआ, लेकिन 3 की कोशिश थी, रिस्क था, सोचा समझा, सफल नहीं हुए हम लोग, और रिजल्ट ये आया है कि टेलर आउट हुए बिना कोई गेंद खेले और बिना कोई खाता खोले। गैप में परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेलना चाहते हैं, एक 4 गैप में से चला जाए, मजा आ जाए। अरे इस बार तो वीक है, इस बार तो गए। पहले रनिंग करते तो निकल जाते हैं, पर किया ही नहीं। 2 गेंदे लगातार, 2 रन आउट्स, कोशिश हर बार रन एक्स्ट्रा बनाने की थी, नहीं बना पाए। ड्रॉ के लिए खेलना चाहते हैं, रनिंग रखना चाहेंगे, पूरी दम लगा के करेंगे रनिंग, अरे वापस चले गए, एक भी नहीं बन पाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई है, और ये हार गए हम लोग 1 रन से, वो डबल रिटर्न के चक्कर में गड़बड़ हुई यहाँ पे, जिम्बाब्वे 1 रन से जीत गया, न्यूजीलैंड हारता हुआ। 2 ओवर्स का यही रोमांच है कि आपको बहुत कम वक्त मिलता है, वहीं पे आपको डिसाइड करना होता है, लॉप्टेड खेलूं ना खेलूं, 2 लूं, 3 लूं, 1 लूं, थोड़ा बटन प्रेस में गड़बड़ हुई और हार गए। जिम्बाब्वे जीतता है लास्ट गेंद, मोस्टली ये ड्रॉ हो रहा था मैच, कास अगर लॉप्टेड लेता तो कुछ हालात मतलब क्लियर हो जाते, या तो न्यूजीलैंड या तो वेस्ट इंडीज, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ का चांस मैंने गंवा दिया है। अच्छा खासा ड्रॉ, अच्छे खासे 2 पॉइंट्स मैंने जिम्बाब्वे को दे दिया न्यूजीलैंड ने, तो ये शायद बाद में भारी पड़ सकता है। जो भी है, जैसा भी है, रैंकिंग ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है, अपडेटेड मैं ले रहा हूँ विदा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल पर देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।